हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। मैं हूं प्रोफेसर सौंदर्य। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रूफ ऑफ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट। देखिए, अनुप्रमाणक जो भी दस्तावेज होते हैं इनको कैसे साबित किया जाता है या अनुप्रमाणित दस्तावेजों को साबित कैसे किया जाता है, इस बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले देखना जरूरी कि अटेस्टेशन का मतलब क्या होता है, अनुप्रमाण का मतलब यहाँ पर क्या होता है। देखिए, द वर्ड अटेस्टिंग मीन्स दैट अ पर्सन ऑफ टेस्टिमनी ऑफ दैट फैक्ट दैट ही सो इट एग्जीक्यूटेड। यहाँ पर एक बहुत सामान्य सी बात है कि आप पर्सन मतलब एक व्यक्ति क्या करता है यहाँ पर, टेस्टिमोनी ऑफ द फैक्ट, ठीक है, एक तथ्य के बारे में क्या करता है यहाँ पर, साक्ष्य देता है यहाँ पर, है ना। दैट ही सो इट एग्जीक्यूटेड मतलब उसने क्या किया, एक दस्तावेज को एग्जीक्यूट होते हुए देखा है। एग्जीक्यूट का मतलब यहाँ पर होता है कि निष्पादित होते हुए देखा है। सामान्य भाषा में इसको हम हिंदी में कहते हैं निष्पादन। निष्पादन का मतलब ये होता है, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि तीन, कम से कम इसमें दो विटनेसेस होते हैं, ठीक है, गिफ्ट, बिल और मॉर्गेज। हमारे पास तीन ऐसे डॉक्यूमेंट हैं भारतीय कानून के अंतर्गत, तीन ऐसे हमारे पास डॉक्यूमेंट होते हैं। पहला गिफ्ट, जिसको हम कहते हैं दान, ठीक है, विल, जिसको हम कहते हैं वसीयत, और थर्ड जाता है मॉर्गेज, जिसको कहते हैं बंधक, ठीक है, कोई मॉर्गेज बोलता है, कोई मॉर्गेज बोलता है, ठीक है। तो दान, वसीयत, बंधक, गिफ्ट, बिल और मॉर्गेज हमारे यहाँ पर तीन ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जिनमें एक अटेस्टेशन की जरूरत होती है। इसके अलावा किसी भी डॉक्यूमेंट के लिए हमको अटेस्टेशन की आवश्यकता नहीं होती है। क्लियर, तो ये टीपीए में कहा गया है। क्लियर, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि एग्जीक्यूशन या अटेस्टेशन का मतलब क्या होता है। तो देखिए, कम से कम दो वहां पर क्या होते हैं, आपके विटनेसेस होते हैं जिनका क्या होता है, उसके ऊपर साइन होते हैं। क्लियर, तो इसको हम कुछ इस तरीके समझते हैं कि एक कोई डॉक्यूमेंट है, मान लीजिए एक आपने क्या किया, गिफ्ट डीड बनाई, ठीक है, एक हमने यहाँ पर गिफ्ट डीड हम लोगों ने बनाई यहाँ पर, ठीक है। गिफ्ट डीड में हम लोगों ने यहाँ पर दो तीन पॉइंट जो भी थे गिफ्ट डीड के, हमने जो भी आपकी शर्तें थी, निर्बंधन थे, नियम थे, वो हमने यहाँ पर लिखे, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, दो विटनेसेस होते हैं जिनके हम यहाँ पर साइन कराते हैं, ये कहलाते हैं हमारे अटेस्टिंग विटनेसेस, ठीक है, अनुप्रमाणक साक्षी। तो इसका सामान्य मतलब क्या होता है कि इन्होंने यहाँ पर हस्ताक्षर क्यों किए, इसका मतलब ये होता है यहाँ पर कि मैंने इस दस्तावेज को लिखते हुए देखा, इस दस्तावेज को निष्पादित होते हुए देखा, और ये दस्तावेज हमारे सामने कैसा हुआ, एग्जीक्यूट हुआ है, या जिस व्यक्ति के द्वारा कहा जा रहा है कि उसने ये दस्तावेज को लिखा है, निष्पादित किया, या तो ये उसने लिखा है या उसका उसके आदेशानुसार लिखा गया है। क्लियर बात, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात जो है वो ध्यान रखने वाली ये है कि ये इस बात का साक्ष्य नहीं दे सकता है, देता है, ये इस बात का एविडेंस नहीं देता है, कौन, अटेस्टिंग विटनेस, कि इसका कंटेंट क्या है, इसकी दस्तावेज की अंतर्वस्तु क्या है, इसके बारे में वो कुछ भी नहीं कहता है। वो केवल इस बात को यहाँ पर बताता है। अटेस्टिंग विटनेस का काम यहाँ पर केवल ये होता है कि ये जो पूरा दस्तावेज है, ये पूरा डीड है आपका, जो पूरा डॉक्यूमेंट है, ये विलेख जो है, ये मेरे सामने निष्पादित किया गया, और जिस व्यक्ति के द्वारा ये कहा जा रहा है कि उसने इसको एग्जीक्यूट किया है, ये उसी के द्वारा क्या एग्जीक्यूट किया गया है, या उसके आदेशानुसार यहाँ पर एग्जीक्यूट इसको किया गया है, ये कहलाता आपका एग्जीक्यूशन। क्लियर, तो इसमें मिनिमम टू विटनेसेस होते हैं, मैक्सिमम आप कितनी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम यहाँ पर दो विटनेसेस होने चाहिए। और गिफ्ट, बिल और मॉर्गेज, दान, बंधक और वसीयत के संबंध में ही केवल क्या होता है, अटेस्टिंग विटनेस की जरूरत यहाँ पर होती है। तो ये था हमारा अटेस्टेशन। अब हम लोग देखते हैं कि इसको साबित कैसे करेंगे, ठीक है। तो एविडेंस एक्ट में अगर आप देखेंगे तो सेक्शन 68 से लेकर 72 तक के प्रोविजन जो है वो अटेस्टिंग विटनेसेस के बारे में बताते हैं, या अटेस्टेड डॉक्यूमेंट को कैसे प्रूफ करेंगे, हाउ टू प्रूफ, ठीक है, किसके सामने, न्यायालय के सामने इसको साबित आप कैसे करोगे। तो सेक्शन 68 कहता है कि प्रूफ ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड, ठीक है। तो प्रूफ ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट, तो ऐसे दस्तावेज जो निष्पादित किए गए, रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड, ठीक है, तो न्यायालय द्वारा क्या होना चाहिए, वो कानून के द्वारा कैसे यहां पर अपेक्षित है कि वो अटेस्टेड होना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं इसमें कि डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड आर यूज्ड इन एविडेंस एज फॉलोज। First, at least one attesting witness must be called for proving its execution, if such witnesses. तो आपको क्या करना चाहिए यहाँ पर, at least one attesting witness, कम से कम एक अनुप्रमाणक साक्षी को आपको क्या होना, न्यायालय के सामने बुलाना पड़ेगा और उससे उस चीज की गवाही दिलवानी पड़ेगी, क्या साबित करने के लिए, proving its execution, उसके निष्पादन को साबित करने के लिए आपको बुलाना पड़ेगा। If such witness is,
यदि वो जिंदा है अलाइव सब्जेक्ट टू द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट, न्यायालय के अंतर्गत वो चल रहा है, न्यायालय की कार्रवाई में है। दूसरा कैपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस, ठीक है, साक्ष्य देने में कैसा है वो, सक्षम है। कैपेबल का मतलब होता है सक्षम, ठीक है, तो जिंदा है, न्यायालय की कार्रवाई के समक्ष, कैपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस यहाँ पर है, क्लियर। तो ये था हमारा सेक्शन 68, क्लियर है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, किसी भी डॉक्यूमेंट को जिसकी विधि, जिसकी न्याय विधि या कानून अटेस्टेड होना रिक्वायर करता है, अपेक्षा करता है, उसको साबित करने के लिए आपको कम से कम एक अटेस्टिंग विटनेस को कोर्ट में बुलाना होगा और उससे आपको साबित करना होगा। बट इफ द डॉक्यूमेंट इज अ रजिस्टर्ड वन एंड इज नॉट अ विल, यहाँ देखिए कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं। उन्होंने कहा है यदि डॉक्यूमेंट कैसा रजिस्टर्ड है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है आपका उसके द्वारा रजिस्टर्ड किया गया है, एंड इट इज नॉट अ विल, लेकिन वो वसीयत नहीं है, ठीक है, इसको हम देखिए सेकंड पोजीशन दे रहे हैं, इसको हम फर्स्ट पोजीशन दे रहे हैं। तो पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि ऐसे डॉक्यूमेंट जो रजिस्टर्ड है और ऐसे जो विल नहीं है, वसीयत नहीं है, तो पहले हम देखते हैं कि इफ द डॉक्यूमेंट इज अ रजिस्टर्ड, अगर कोई दस्तावेज जो है वो रजिस्टर्ड है तब क्या होगा, देन इट इज नॉट नेसेसरी टू कॉल अटेस्टिंग विटनेस, तो फिर वहां पर आपको अटेस्टिंग विटनेस को बुलाने की आवश्यकता नहीं है उस चीज को साबित करने के लिए। Unless its execution is denied by the person who has executed it, यदि उस व्यक्ति ने मना कर दिया है कि ये मेरे साइन नहीं है, मैंने इसको निष्पादित नहीं किया है, तो वहाँ उस व्यक्ति को आपको अटेस्टिंग विटनेस को बुलाने की आवश्यकता नहीं है, वो दूसरे द्वारा आप साबित कर सकते हो, क्यों, क्योंकि डॉक्यूमेंट इज अ रजिस्टर्ड, ठीक है, रजिस्ट्रिक रहता है। लेकिन अब देखिए हम बात करते हैं विल की, वसीयत की, लेकिन विल का अगर मामला है, अगर आपका सब्जेक्ट मैटर क्या है, वसीयत है, विल है, तो हर कंडीशन में चाहे वो रजिस्टर्ड हो या ना हो, आपको वन अटेस्टिंग विटनेस को बुलाना ही पड़ेगा उसके एग्जीक्यूशन को साबित करने के लिए, उसकी निष्पादन को साबित करने के लिए। ये था हमारा सेक्शन 68, क्लियर। चलिए अब हम लोग देखते हैं सेक्शन 72। सेक्शन 72 कहता है कि प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड, ऐसे दस्तावेज, ठीक है, जिनका साबित करना है, लेकिन वो कैसे, रिक्वायर्ड बाय लॉ नॉट टू बी अटेस्टेड, जिनका अनुप्रमाणित होना विधि द्वारा अपेक्षित नहीं है, विधि नहीं चाहती कि आप इसको, या विधि आपको बाउंड नहीं करती कि आप इनको अटेस्ट कीजिए, तो उनको कैसे साबित करोगे। तो एन अटेस्टेड डॉक्यूमेंट नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड मे बी प्रूव्ड एज इफ इट वॉज अनअटेस्टेड, तो ये ऐसे साबित किए जाएंगे जैसे मान लो वो अटेस्टेड हुए ही नहीं है, ठीक है। एन अटेस्टेड डॉक्यूमेंट नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड, ठीक है। सेकेंड, मे बी प्रूव्ड एज इफ इट वॉज अनअटेस्टेड, क्लियर। तो देखिए सामान्य सी बात है, आप कोर्ट में जाते हैं तो सामान्यता होता क्या है कि लोग तो रेंट एग्रीमेंट को भी अटेस्ट करवा लेते हैं, ठीक है, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं होती है। तो जब किसी रेंट एग्रीमेंट को या किसी और दस्तावेज को, किसी कॉन्ट्रैक्ट को अगर आपको प्रूफ करना है जो अटेस्टेड है, लेकिन कानून ने उसको अटेस्टेड कराने के लिए परमिशन नहीं दी है या उसको नहीं कहा, बाउंड नहीं बनाया कि आप अटेस्ट कीजिए, तो वो ऐसे साबित किए जाएंगे जैसे बाकी आपके दस्तावेज साबित किए जाते हैं, उनमें आपको वन अटेस्टिंग विटनेस को कोर्ट में बुलाने की आवश्यकता नहीं है उसके निष्पादन को साबित करने के लिए। ये था हमारा सेक्शन 72। नेक्स्ट आते हैं हम सेक्शन 69 के ऊपर। सेक्शन 69 कहता है कि प्रूव व्हेन नो अटेस्टिंग विटनेस फाउंड, है ना, कि जब किसी भी अनुप्रमाण साक्षी का पता ना चले तब सबूत कैसे आप उनको करोगे। तो इफ द डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन द यूनाइटेड किंगडम इट मस्ट बी प्रूव्ड, यदि दस्तावेज जो है आपका यूनाइटेड किंगडम में निष्पादित होना है तब इट मस्ट बी प्रूव्ड, वो कैसे साबित किया जाएगा, दैट द अटेस्टिंग ऑफ अ विटनेस इज हैंड राइटिंग, तो उसके वो हस्तलेख के माध्यम से आप उसको साबित कर सकते हो हैंड राइटिंग में। या अगर आपको तो हैंड राइटिंग अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था सेक्शन 47, है ना, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि हैंडराइटिंग को कैसे साबित करेंगे। सेकंड, दैट द सिग्नेचर ऑफ द पर्सन एग्जीक्यूटिंग द डॉक्यूमेंट इज इन द हैंडराइटिंग ऑफ दैट पर्सन, यदि आपने ये साबित कर दिया वहां पर कि जो व्यक्ति है हस्ताक्षर उसी के हस्तलेख में, जिस व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है यदि हैंड राइटिंग ऑफ दैट पर्सन उसी के हस्तलेख के संबंध में है तो भी आप इसको मान सकेंगे, ठीक है। तो सीधा सा मतलब यहाँ सेक्शन 69 कहता है कि जब किसी भी अनुप्रमाण साक्षी का पता नहीं चलता, अटेस्टिंग विटनेस नहीं मिल पाता है, तो और दस्तावेज यूनाइटेड किंगडम में निष्पादित हुआ हो, तो दो बातें साबित करनी पड़ेंगी। पहला तो ये कि सबूत मिलना चाहिए कि निष्पादन उसी व्यक्ति के हस्तलेख में, ठीक है, पहला। एंड सेकेंड इज कि जिसके द्वारा दस्तावेज निष्पादित किया जा रहा है दूसरे कम से कम एक अनुप्रमाण साक्षी के हस्तलेख का सबूत मिलना वहां पर चाहिए। तो दो में से अगर आप कोई भी ऐसी चीज साबित कर देते हो तो सेक्शन 69 की कंडीशन फुलफिल यहां पर हो जाती है, क्लियर। चलिए अब हम लोग देखते हैं सेक्शन आगे।
सेक्शन 70। सेक्शन 70 कहता है हमारा कि एडमिशन ऑफ एग्जीक्यूशन बाय पार्टीज टू अटेस्टेड डॉक्यूमेंट, ठीक है, स्वीकृति की यहाँ पर बात की जा रही है। सेक्शन 70 कहता है कि अनुप्रमाणित दस्तावेज के पक्षकार द्वारा निष्पादन की स्वीकृति, ठीक है। तो यहाँ सामान्य सी बात है कि जब निष्पादन करने वाले व्यक्ति ने यह मान लिया है, ठीक है, जो पर्सन जिसने एग्जीक्यूट किया है उसको मान लिया कि हस्ताक्षर उसी के हैं, तो यह पर्याप्त सबूत होगा, सफिशियंट यहाँ पर यह प्रूफ होगा। ये बताता है आपका सेक्शन 70 कि द एडमिशन ऑफ अ पार्टी टू एन अटेस्टेड डॉक्यूमेंट ऑफ इट एग्जीक्यूशन बाय हिमसेल्फ शैल बी सफिशियंट प्रूफ ऑफ इट्स एग्जीक्यूशन एज अगेंस्ट हिम थ्रू इट बी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड। क्लियर? तो ये कैसा होगा, उसके समक्ष ये पर्याप्त सबूत होगा जिस व्यक्ति ने उसके निष्पादन को स्वीकार कर लिया है। तो दो तीन चीजें हैं यहाँ पर जो समझने की हैं कि द एडमिशन ऑफ अ पार्टी टू एन अटेस्टेड डॉक्यूमेंट, ठीक है, एडमिशन ऑफ अ पार्टी टू एन अटेस्टेड डॉक्यूमेंट, निष्पादित दस्तावेज निष्पादित होना चाहिए, दैट इट वॉज ड्यूली एग्जीक्यूटेड बाय हिमसेल्फ, और उसी के द्वारा वो कैसा होना चाहिए, निष्पादित किया गया हो, ठीक है। तो अनुप्रमाणित दस्तावेज की किसी पक्षकार की अपने द्वारा उसका निष्पादन करने की स्वीकृति उस दस्तावेज के निष्पादन का उसके विरुद्ध पर्याप्त सबूत होगा, यद्यपि वह ऐसे दस्तावेज हो जिनका अनुप्रमाणित होना विधि द्वारा कैसा हो अपेक्षित हो, इट वॉज ड्यूली एग्जीक्यूटेड बाय हिमसेल्फ। क्लियर यहाँ पर? तो ये था हमारा सेक्शन 70, बहुत आसान सा है। यदि उस पक्षकार ने उसको स्वीकृत कर लिया तो उसे साबित करने की आवश्यकता नहीं होगी, वो पर्याप्त सबूत होगा। इफ इट इज सफिशियंट प्रूफ इट इज इट्स एग्जीक्यूशन एज अगेंस्ट हिम, तो उसके विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य होगा। देन आते हैं हम लोग सेक्शन 71 पर। सेक्शन 71 कहता है हमारा प्रूफ व्हेन अटेस्टिंग विटनेस डिनाइड द एग्जीक्यूशन। देखिए यहाँ पर एक चीज और आती है कि यहाँ पर अब जिस व्यक्ति ने उसको निष्पादित किया है कि प्रूफ व्हेन अटेस्टिंग विटनेस डिनाइड द एग्जीक्यूशन, अब वो व्यक्ति यहाँ पर अनुप्रमाणक साक्षी जो है यहाँ पर क्या करता है, उसको डिनाय करता है कि ये दस्तावेज मेरे सामने निष्पादित नहीं किया गया था, तब आप जो है अटेस्टिंग डॉक्यूमेंट को आप कैसे प्रूफ करोगे, ये कंडीशन हमारे सामने आती है सेक्शन 71 में। तो सेक्शन 71 कहता है कि इफ द अटेस्टिंग विटनेस डिनाय ऑफ डज नॉट रिकलेक्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ द डॉक्यूमेंट इट एग्जीक्यूशन मे बी प्रूव्ड बाय अदर एविडेंस, तो वो क्या होगा फिर आपका अन्य एविडेंस, मतलब अदर एविडेंस, अन्य साक्ष्य के माध्यम से आप उसको क्या करोगे, साबित करने का प्रयास करोगे। जब किसी दस्तावेज का विधि द्वारा अनुप्रमाणित होना अपेक्षित ना हो तो उसे वैसे ही साबित किया जा सकता है मानो कि वह अनुप्रमाणित ना हो। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं हम इसमें। इफ द अटेस्टिंग विटनेस डिनाय, मना करता है, डज नॉट रिकलेक्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ द डॉक्यूमेंट, या फिर हो सकता है कि उसको याद ना रहा हो, है ना, तो द एग्जीक्यूशन मे बी प्रूव्ड बाय अदर एविडेंस, तो जो एग्जीक्यूशन निष्पादन है आपका किसी और एविडेंस मतलब साक्ष्य के द्वारा आप क्या कर सकते हो, उसे साबित कर सकते हो। इट मे बी प्रूव्ड अंडर सेक्शन 69 और 70, जैसे 69 और 70 के द्वारा आप उसको साबित कर सकते हो। क्लियर? थैंक यू सो मच। ये था हमारा आज का टॉपिक जिस पर हम लोगों ने देखा अटेस्टिंग विटनेस या अटेस्टिंग डॉक्यूमेंट को हम कोर्ट में कैसे साबित करेंगे। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया हो। इसके साथ साथ आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और उसमें आप जो है टेस्ट सीरीज हम लोग ले रहे हैं, पर डे कुछ क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उसको सॉल्व कीजिए, उसका आंसर भी, उसका रिजल्ट भी आपको दे दिया जाएगा। थैंक यू।